तुम बाबा देख रहे हो, वो बाबा तो जा चुका है तब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान। डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आज से 17 साल पहले कि बाबा तुम 2.5-2 साल और रहोगे, तो बाबा तो 2.5 साल बाद चले गए। वो जो तुम बाबा देख रहे हो, वो बाबा तो जा चुका है तब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। अब बाबा उसमें नहीं है, वही अंदाज बोलने का, वही रौब वाला तरीका, वही लोगों से कहना कि बाहर निकलो। वो जो डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आज से 17 साल पहले कि बाबा तुम 2.5-2 साल और रहोगे, तो बाबा तो 2.5 साल बाद चले गए। इस देश में ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिसको जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में। साक्षात किडनी फेलियर और वो आदमी के अंदर इतनी चमक, वो आदमी अब नहीं है। जैसे जब बुद्ध वसुंधरा से मिलने गए अपने घर गए तो उनके पिताजी मिले तो कहे सिद्धार्थ मैं तुमको सिंहासन अभी भी दे सकता हूं। कहे बाबूजी अब सिद्धार्थ है ही नहीं, अब जो आदमी आप देख रहे हो वो बिल्कुल अलग आदमी है। ऐसे वो जो वृंदावन में आदमी बैठा हुआ है ना, वो कोई इंसान नहीं है। वो इंद्रियों से, वो जो इंद्रियों वाला आदमी था उस शरीर के अंदर, वो जा चुका है। अब शुद्ध चैतन्य भगवान श्री कृष्ण का रूप महाराज प्रेमानंद। मैं तो यहीं से कनेक्ट कर लेता हूं बाबा जी से। मैं सोचता हूं इतने बड़े बड़े लोग जाके उनको परेशान करते हैं, मैं क्या जाऊं उनसे मिलने। मैं यहीं से आंख बंद करके उनसे 5 मिनट कनेक्ट कर लेता हूं कि गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें, आप संसार और समाज का भला कर रहे हैं, करते रहे, हमारे लायक कभी कोई सेवा हो तो हमको आदेश जरूर करें। जिसको भी जीवित भगवान देखना है वो प्रेमानंद जी महाराज जी को देख ले, दिखाई पड़ना चाहिए। अध्यात्म की शक्ति दिखाई पड़नी, देखो दिखाई पड़ रही महाराज प्रेमानंद में। कहानी कनेक्ट हो रही है ना, मस्त रहो, दर्द लोगे परिवर्तन हो जाएगा, मजा लोगे इतने मुकाम पे पहुंच जाओगे ना। दर्द दर्द लोगे परिवर्तन हो जाएगा। मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ो यार, भूखे रहते थे। लोग कहते हैं भैया वो उनके पास खाने को नहीं था, पागल हो, मोहम्मद साहब पैगंबर थे, उनके पास खाने को नहीं होगा। जो अल्लाह को इतना प्यारा हो उसके पास खाने को नहीं होगा। बहुत मुसलमान हमसे कहते थे कि भैया मोहम्मद साहब के पास खाने को नहीं होता था। जाहिल, जो आदमी अल्लाह का प्यारा हो, अल्लाह का बंदा हो, उसका पैगाम लेकर आया, उसको खाने की कमी थी। लेकिन दर्द में ध्यान होता है, जब भूख लगती है तो अल्लाह को छोड़कर कोई याद नहीं आता। तो उनके लिए अल्लाह की याद इतनी बड़ी थी, इतना मजा देती थी कि उनको भूख का एहसास ही नहीं होता है। मैं बड़े सारे मुसलमानों से पूछा, मैंने कहा यार मोहम्मद साहब कई कई दिन खाना नहीं खाते थे। हाँ भैया इतनी गरीबी थी, पैगंबर हो गरीब, डंडस मारेंगे तुमको। पैगंबर हो गरीब, जिसने उनको सातवें आसमान को बुला लिया,
पैगंबर और गरीब। अरे इशारा कर देते मालिक एक आध यूनिवर्स उनको दे देता कि ले आओ। नहीं, उनको इतना मजा आता था, ध्यान में इतने डूबे रहते थे कि तीन तीन चार चार दिन खाना ही नहीं हो याद आता था। जब तुम साधना करोगे ना, यही दर्द तुम्हारे लिए मजा बन जाएगा। साधना का पहला चरण ये है चढ़ाई, मेहनत। और जिस दिन दर्द मजा बना, उस दिन तुमको खुदा बना देगा। चलो खुदा ना भी बनाए तो खुदा से कम भी नहीं बनाएगा। वह नर तो मर ही गए, जो नर मांगन जाए। वह नर तो मर ही गए जो नर मांगन जाए, और उनसे पहले वह मरे जिनके मुंह से निकले नाए। महीने में 100 से लेके 500 रुपया, ज्यादा नहीं, तुम सब अभी स्टूडेंट हो, 100 से लेके 500 रुपया किसी नीडी आदमी को दे दिया करो, ऐसे अनजान, और उसकी चर्चा किसी से मत करना। और फिर साल भर बाद बताना तुम्हारे जीवन में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जहां पेड़ ऑक्सीजन देते हैं ना, वहीं बादल पानी देते हैं। ये प्रकृति लेन देन के एक सिद्धांत पर चलती है। तुम जितना देने की क्षमता रखते हो, उतना पाने की क्षमता भी रखते हो। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, क्योंकि रेगिस्तान को देने के लिए कुछ भी नहीं है।